छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन शराब से जुड़े मामले सदन में गहराए। जहरीली शराब, शराब पर टैक्स और शराबबंदी जैसे कई सवाल विपक्ष ने किए। इसके अलावा विधानसभा रोड में SC/ST युवाओं के निर्वस्त्र प्रदर्शन का मामला भी उठा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि युवाओं को नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा। युवाओं ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, इसके बाद भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। हम सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं, इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। देखिए, आज प्रश्नकाल में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई और मेरे क्षेत्र में हुई। सरकार ने अपने उत्तर में ये बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जहरीली शराब पीने से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन मैंने उसको विस्तार से जानकारी दिया। सबसे गंभीर विषय यह है कि जांजगीर चांपा क्षेत्र के नवागढ़ ब्लॉक के रोगदा गाँव में एक सेना के जवान की मौत हुई और जहरीली शराब उस रोगदा गांव के किराने दुकान से उन्होंने खरीदा। उस गांव में शासन का कोई अधिकृत दुकान नहीं है शराब। गांव वाले लगातार मांग करते रहे, आवेदन देते रहे कि इस दुकान में अवैध शराब बिकता है, इसको बंद कराया जाए, कार्रवाई की जाए इसके खिलाफ। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये सिर्फ 3 लोगों की मौत का मामला नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश हर जिले में अवैध शराब बिक्री हो रही है, शासन के संरक्षण में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। आबकारी विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उनके सारे मिली भगत का ये खेल है। दुर्भाग्य ये है कि जहां 3 लोगों की मौत हुई, शासन का कोई व्यक्ति नहीं गया संवेदना व्यक्त करने, प्रशासन से कोई व्यक्ति नहीं गया, कोई मुआवजा नहीं दी गया, लेकिन मैं 2 बार उनके घरों में गया था और हम उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है। शासन की ओर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया, इसलिए कल उत्तर के लिए वो रखा गया है। कल जो विधानसभा के सामने नग्न प्रदर्शन हुआ, ये किसी भी सरकार के लिए अत्यंत ही शर्मनाक है। ऐसी परिस्थितियां बनी क्यों, जबकि उन नौजवानों ने पहले सरकार को, प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच नहीं होगी, हमारे हक को मारा गया है और अगर इस पे कोई कार्यवाही नहीं होती तो हम नग्न प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन मौन रहा, शासन चुप रहा, सरकार की LIB क्या करती रही, सरकार का गुप्तचर विभाग क्या करता रहा और इसके लिए दोषी कौन है। इस पूरे घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी प्रश्नकाल के बाद और हम पूरी संजीदगी के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे तर्कों के साथ छत्तीसगढ़ की इस भूपेश सरकार के असली चेहरे को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से बेनकाब करने का प्रयास करेंगे।